सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? और किसी सच्चाई ये है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है और मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, और वो आप लोगों सबको मैंने दिया है, जो जजमेंट की कॉपी है वो भी दिया, और उसके साथ मेरा जो जवाब है वो भी आपको दिया है। आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जिनको मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया आ रहा है तो शायद कोई मेरी मदद करे, वो बताए कि क्या है सच्चाई। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है स्टोरी को लेकर, हाँ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने कुछ नया तरीका अपनाया है, आपके हाथ में क्या है ये? ये दान पात्र है, ये दान पात्र है। हम जो है, मुझ पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है, जो कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर देना है। अब मेरा सारा पैसा आप पे ठोका गया, मुझ पर ठोका गया है, क्योंकि मैंने कोर्ट में जो केस किया था, ऑनरेबल जस्टिस श्री जी एस पटेल साहब को लगा कि मैंने गलत केस किया है, तो इस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि हम गलत केस किया है, तो इसीलिए उन्होंने मुझ पर जो है कॉस्ट जो है 1.5 लाख रुपए का लगाया है, और मैंने दिखाया आप लोगों के सामने दिखाया मेरी। आपने 1.5 लाख का वाले के ना बच्चों से भीख मंगवाएंगे रोड के ऊपर? ये बच्चे लोगों से मैं भीख नहीं मंगा रहा, बच्चों से पूछो, ये मेरे साथ है तो आ जाए। और बच्चों से नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता आप आइए हमारे साथ, ये न्याय की भीख है, अब ये लड़ाई से व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन लड़ाई की भीख है, कहीं ना कहीं इसमें जिक्र नहीं है कि किसके लिए लड़ाई है। अगर एग्जांपल किसी भीख मांगते हैं तो आपके टी शर्ट पे नाम है फिल्म का, ना आपके बैनर पे नाम है, तो ये टी शर्ट पे हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है, हमारा जो थिएटर ग्रुप है बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन, जो कि हमारे पोस्टर पे भी है, आप देखेंगे अगर आप और भी गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, तो हमारा है। जो बैनर हाथ में उसमें कोई जिक्र नहीं है इस फिल्म का? नहीं, हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं। सामने वाले भीख मांगेंगे तो क्या बोलेंगे आप? हम उनको सच्चाई बताएंगे और उनको बताएंगे कि ये हुआ है, जैसे आज आप लोगों के सामने बताया, उन सबसे लोगों को हम समझाएंगे। हम फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई, सच जो है वो सामने आना चाहिए। एक चीज है कि ऐसा ना हो कि ये चीज काफी फिल्म को प्रमोशन में काम आ जाएगी आपकी। नहीं, अभी आप, मुझे लगता नहीं है, इस देश में जो नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है, नेगेटिव पब्लिसिटी जिन फिल्मों का हुआ आपने देखा उनका क्या हुआ है। सर, हम पॉकेट की करोड़ों की पब्लिसिटी नहीं दिलाना चाहते हैं उनको, वो मिल जाएगी अगर हमने उनको प्रमोट किया, मोहनजोदड़ो कहीं पे भी लिख दिया फिल्म के बारे में लिख दिया, तो ये नकली पब्लिसिटी है और वो उनको पब्लिसिटी मिलेगी, हमारा जो न्याय है वो नहीं मिलने वाला। सर, कहीं ना कहीं ये फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाएगी 100%? वो तो अनफॉर्चुनेट है सर, हमेशा हुआ है, उन्हीं बड़े लोगों का फायदा होगा, ये तो हमें भी पता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो उसके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई कुछ और है सर, हमारी लड़ाई सत्य के लिए, सत्य के लिए, हम सत्य चाहते हैं। सर, एक मिनट, मेरा पूरा निवाद सर, आप चाहते क्या है अगर बात करें? मतलब देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मुझ पर ये जो 1.5 लाख रुपए का वो ठोका गया है, मुझे वो 1.5 लाख रुपए जो है करीब 1.5 लाख का कॉस्ट लगाया गया, आप जजमेंट में पढ़ सकते हैं, एक जो जजमेंट जो है, जजमेंट आप पढ़ सकते हैं कि मुझ पर कॉस्ट लगाया गया है। अब एक बात बताइए, एक गरीब राइटर कहाँ से 1.5 लाख रुपया भरेगा? मैं ऑलरेडी जितना पैसा दिखाया था, मेरा आखिरी खेत जो था मैं वो 27 जून को बेच चुका हूँ, मैं आप लोग सबके सामने दिखाया पेपर। नाना पाटेकर के एनजीओ में जाएगा वो। अब डोनेशन जो है गले पे चाकू रख के नहीं लिया जाता। सर, जितनी फिल्में बनी है बड़े बैनर की फिल्में, बाद में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है उसमें, 10 दिन महीने का रिलीज होने के बाद शायद ही कोई फिल्म है। देखिए, एक बात बताऊँ, क्यों नहीं बोली? नहीं, एक बात बताऊँ, मैं आपको बताया 2010 से जो है मैं मेल भेज रहा हूँ, 2010 में तो मोहनजोदड़ो का कहीं नामों निशान नहीं था। 2010 फिर वही बोलते आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं, आज हम आए हैं, हम 2014 में, 10 में उनको मेल भेजा तब नहीं हम मीडिया के सामने आए, 2014 में वापस मेल भेजा तब हम मीडिया के सामने नहीं आए, 2015 में हमने, मार्च 2015 में हमने उनको लीगल नोटिस भेजा तब हम मीडिया के सामने नहीं आए, और मेल में मेरे मौजूद लिखा हुआ है कि मुझे चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए चीप पब्लिसिटी। हम काम करते हैं, हमारे यहाँ से इतने सारे लोग निकले हैं। फिल्म एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, फिल्म बन रही है उससे पहले आप उसको रुकवा सकते थे। कुछ संस्थाएं हैं ऐसी जो फिल्म से जुड़ी है, जो भी है जो भी है, उससे आप कर सकते हैं, रुकवा सकते थे इसको, एक राइट है, आप राइटर, स्टोरी आपकी, सब कुछ आपका है, तो रुकवा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं रुकवाया आपने? हमने कोशिश की ना, हम कोर्ट गए ना, काफी लूजिंग कहाँ पे रही आपको, कहाँ लगा आपको कि नहीं हो पाया? हम कोर्ट में गए हैं और हम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना, हम कोर्ट में जाकर न्याय मांगे हैं, तो ये हमने पहले सिटी सिविल कोर्ट में गए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में गए हैं, और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में मांगे हैं। अभी जो ये नया मुद्दा आपने अपनाया है दान पात्र का, जो हाँ जी, कहाँ कहाँ पे क्या? अभी तो जा रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी मॉल के सामने, जो अंधेरी इन्फिनिटी मॉल है उसके सामने जाके मांगेंगे, और बाकायदा जूतों का माला अगर है तो दे दो भैया, मैं पहन लेता हूँ। कल जो है बोलेंगे कि आपने यहाँ झूठ कहा था, कोई शर्म नहीं है। ये चीज आप जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो इसके अभिनेता हैं फिल्म के, ये देखिए, बहुत
ये जूतों की जो माला है, हाँ, बहुत गर्व के साथ पहन रहा हूँ मैं ये उनको पहन, जिनको जो जो गलत लोग थे उनको पहनाना था नहीं पहना सकते, हमने खुद पहन लिया, जिनको नहीं पहनाना था उनको नहीं पहना पाए तो हम खुद पहन लिए। आपने इसका घेराव क्यों, जैसे और भी स्टार हैं जो इस फिल्म में हैं, जो इसका डायरेक्टर है, मतलब कोई गुनाह है सबके लिए है, हाँ। रोड पे बैठने से आपको ऐसा नहीं है कि आपका रोल सॉल्व हो जाएगा? नहीं नहीं, फिल्म को रोकना चाहिए, माहौल पे जाके रोकना? नहीं, देखिए देखिए, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम जाके कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम जो अपने हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मांगेंगे हम वही कर सकते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है सर, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कैपेसिटी यही है, हम लोग इस तरह से काम करेंगे और उस शांति तरीके से हम लोग अपना चाहते हैं न्याय मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शकों से क्या ज़्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आखिरी में एक सवाल? मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी मेरे लोगों को कहना है वो कह सकते हैं। मुझे दर्शकों से यही चाहेंगे कि अगर हमें सच्चाई है देखने के बाद पता चलता है तो फिल्म को बाइकआउट करें, देखने नहीं जाए। ये हमारी सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारे जैसे हजारों राइटर होंगे और तब तक लड़ेंगे हम जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाए, क्योंकि हम लास्ट नहीं है, आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ में आएगा, तो हमारी लड़ाई इसलिए है कि आगे किसी के साथ ना हो, आगे किसी को खेत बेचने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं। एक स्लोगन देंगे अभी मीडिया के सामने, कुछ भीख मांगने का कुछ आपका है? हाँ, निकाल के दो ना तुम यार। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, जब कैमरा बंद हो जाए तो आप लोग भी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपये जो हो सकता है प्लीज दान दे, क्योंकि ये लड़ाई जो है सबके लिए है, सबके लिए है, ये न्याय की लड़ाई है, ये जो है हम सबकी है सर, सब सबकी है, मतलब सबकी लड़ाई है। मैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, होता रहता है और होता रहता है, अकेला ना महसूस करें। ये जैसे कि एक गलत परंपरा पड़ती है उससे गलत लोगों को हिम्मत मिलती है, तो अगर ये भी एक परंपरा होनी चाहिए कि जो सही लोग किस तरह से लड़ सकते हैं। ये गांधीवादी रोड पे आज समझ लीजिए पहला कदम है, सच और जीत की लड़ाई है, फिल्म की लड़ाई नहीं है, ये सच और जीत की लड़ाई है, तो सच सामने आना चाहिए और झूठ सामने आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चला जाओ।